इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी अध्याय 5 से केंद्र प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत परास या विस्तार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे तथा उसकी गणना प्रक्रिया को भी जानेंगे। अगला माध्यम वह है परास, जिसको हम विस्तार भी बोलते हैं। तो इसको निकालने का तरीका है, पहले हम इसकी परिभाषा जानते हैं। तो परिभाषा, किसी भी समंकमाला के सबसे बड़े और सबसे छोटे मूल्य के अंतर को विस्तार या परास कहते हैं। इस श्रेणी में अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य को ज्ञात किया जाता है। तो उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, आर को हम परास या विस्तार कहेंगे। तो उपयुक्त संख्या में अधिकतम मूल्य हमारा कितना है, 21। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे अधिकतम मूल्य 21 है और न्यूनतम मूल्य हमारा है 13, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 13 है। तो इसका जो सूत्र है, R बराबर L माइनस S, L का मतलब हो गया लार्ज, S का मतलब हो गया स्मॉल। तो R बराबर लार्ज हमारी संख्या 21 है और स्मॉल हमारी 13 है। तो 21 को हम 13 से माइनस करेंगे तो हमारा जो संख्या है वो 8 आएगा और यही परास या विस्तार संख्या कहलाएगा। अर्थशास्त्र विषय को और अच्छे से समझने के लिए आपको इकोनॉमिक्स वर्चुअल क्लासेस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।